कि ये मैंने ऐसे गेटअप क्यों किया हुआ है, तो आपको बता दूं, एक मिनट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। और आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ग्लव्स पहन करके और फेस पे मास्क लगा करके क्यों बैठी हूँ और मैंने ऐसा गेटअप क्यों किया है। तो गाइस, आपको भी पता है कि अभी कोविड का सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा। आप मेरे पहले व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और गाइस, आज जो मैंने साड़ी पहनी हुई है वो न्यू ट्रेंड, और आप कैसे हैवी साड़ी जो है आप कैसे उसे फैशनेबल तरीके से पहन सकते हैं, और वो भी विथ सेफ्टी के साथ, यानी ग्लव्स और मास्क के साथ, क्योंकि मास्क बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अभी के लिए फ़िलहाल। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप मास्क कैरी किए रहोगे तो सेफ रहोगे, बहुत ज़्यादा ही सेफ रहोगे। और आई होप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे, सब अपने घर में ही बैठे होंगे। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे पहले व्यूअर्स हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जितना से जितना ज्यादा हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, आप हर किसी के साथ शेयर करें, ताकि ये वीडियो मेरा हर किसी के पास जाए। और हाँ, इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस, क्योंकि अगर आप अवेयर रहोगे तो कोरोना को हम हरा सकते हैं, बिल्कुल हरा सकते हैं। तो चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैंने ये साड़ी ले ली है, और ये साड़ी जो है वो थोड़ी हैवी सी साड़ी है, तो आप पहले उसे टग इन करें। और मैंने पहले भी आपको मेरा पहला वीडियो भी देख सकते हो आप, जिसमें मैंने साड़ी की ड्रैपिंग की अच्छी तरीके से बताई है कि किस तरह से आप एक एक स्टेप मैंने उसे बताया है, तो वो डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा आपको उसका लिंक, आप वहाँ भी जा कर के आप अच्छे से देख सकते हो, ख़ास करके वो बिगनर्स के लिए, कि आप अगर बिगनर्स हो तो आप कैसे साड़ी पहनो और किस तरह से पहनो, ताकि आप स्लिम और ट्रिम दोनों दिखो और अच्छे भी लगो। तो ये साड़ी का पल्लू है और जिसको मैंने ले लिया है, और अब मैं रफली जो है वो साड़ी का पल्लू इसलिए ले रही हूँ कि ताकि उसे मैं बैक पे रख सकूँ और उसकी लेंथ जो है वो मैं चेक कर सकूँ। आप देख सकते हो गाइस, ये थोड़ी सी हैवी साड़ी है, और मैं इसे ग्लव्स और मास्क के साथ पहनूंगी, और मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से आप स्टाइलिश अंदाज में, फैशनेबल अंदाज में आप कहीं भी जा सकते हो, चाहे वो पार्टी में जाना हो, चाहे वो कहीं भी बाहर। तो ये देखिए, मैंने साइड से जो है वो कमर के पास से मैं ले आई हूँ, और अब मैं इसे पिन कर रही हूँ, मैंने पिन कर दिया है। और अब सामने के पल्लू को मैं बनाऊँगी, किस किस तरह से आप सामने के प्लेट्स बनाएं, तो आप थोड़ा सा प्लेट्स छोड़ करके बनाएं। और देखिए, मैं दूसरे तरीके से प्लेट्स बना रही हूँ, आप इस तरीके से प्लेट्स बना सकते हो, बहुत ईजी है। आप मेरे हाथ के मूवमेंट को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्लेट्स कैसे बनते हैं। तो देखिए, मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ, और बहुत ही अच्छे, और जो कपड़ा छूटा हुआ है उसे आप छोड़ दें, क्योंकि प्लेट्स बड़ा प्लेट्स जो है वो बड़ी छोटी ना हो, इसलिए आप उतना ही प्लेट्स बनाएं जितनी बराबर प्लेट्स बने, एक भी प्लेट्स आपके ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। तो मैंने सारी प्लेट्स को जो है वो बैठा ली है, और एक भी प्लेट्स मेरी आगे पीछे नहीं होगी, इसलिए मैंने एक एक प्लेट्स को पकड़ा है, ताकि कोई भी प्लेट्स ऊपर नीचे आगे पीछे ना हो। तो देखिए, मैं एक एक करके प्लेट्स पकड़ रही हूँ, और उसे अच्छे से सेट कर लिया मैंने, और उसे अब बेल बॉटम के सामने मैं उसे टग इन कर ली। और बहुत इजी तरीका है, आप अगर साड़ी कहीं भी पहन के जाना चाहो तो आप आराम से जा सकते हो। तो ये मैंने अच्छे से प्लेट्स जो है वो मैंने बना लिया है सामने की, और अब मैं इसे पिन करूँगी, क्योंकि पिन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप पिन करके रखते हो तो सामने की प्लेट्स जो है वो टाइट रहती है, और वो बिल्कुल आपकी प्लेट्स जो है वो बिल्कुल लूज़ नहीं होगी, चाहे आप कितनी भी हैवी साड़ी पहने। तो ये जो है मैं बड़ी सी पिन ली हूँ, क्योंकि आप कभी भी सामने की प्लेट्स की में पिन करें तो आप बड़ी सी पिन से करें। तो ये देखिए, ये मैंने बड़ी सी पिन जो है वो अंदर की तरफ से मैंने पिन कर लिया है। आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो आप भी अंदर से पिन कर सकते हो। तो ये जो बचे हुए कपड़े हैं वो मैं अब साइड में उसे हल्का सा टग इन कर लिया, और अब मैं प्लीट्स
पल्लू बनाने की बारी आ गई है। तो देखिए मैं कैसे इजी तरीके से प्लेट्स बना रही हूँ, बहुत ही इजी है प्लेट्स बनाना। ये देखिए मैं एक एक प्लेट्स बना रही हूँ, आप अगर थोड़ा सा भी इधर उधर प्लेट्स हो तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि पल्लू की प्लेट्स छोटी बड़ी हो जाती है एक दो, तो आप उसे अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। देखिए मैं किस तरह से एक एक प्लेट्स जो है वो पकड़ रही हूँ ताकि वो एडजस्ट हो जाए, और जो प्लेट्स मुझे छोटी बड़ी लगी मैं उन्हें उसे एडजस्ट किया, और देखिए एडजस्ट भी कर लिया मैंने उसे अच्छे से, और ये पूरी प्लेट्स जो है वो बन के तैयार है। तो ये प्लेट्स जो है वो बन गई है, और अब मैं इसे एक एक प्लेट्स पकड़ रही हूँ। जो कि अगर आप बिल्कुल डिटेल्स में वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे पहले वीडियो भी देख सकते हो कि कैसे आप साड़ी ड्रैप कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो ये थोड़ी सी हैवी साड़ी है और मैंने इसके प्लेट्स बना लिए हैं, और ये मैं इसे अलग वे में पहनूंगी। तो आप वीडियो देखिए कि किस तरीके से मैं साड़ी के प्लेट्स जो हैं वो एक एक प्लेट्स मैं पकड़ रही हूँ कि ताकि एक भी प्लेट्स ना छूटे। और कभी भी आप प्लेट्स बनाएं तो थोड़ा झटका देके प्लेट्स पकड़ें ताकि एक भी प्लेट्स जो है वो आपकी ऊपर नीचे ना हो सके। तो देखिए ये सारी प्लेट्स जो है वो बन चुकी है, और ये साइड का जो लुक है उसके लिए मैं जो है सारे प्लेट्स को इकट्ठे कर रही हूँ। और ये देखिए बहुत अच्छे जो हैं, आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है उसके लेयर्स सामने बहुत परफेक्ट तरीके से आए हैं। अब मैं जो है बैक में पिन कर ले रही हूँ ब्लाउज़ के साथ अटैच करके, और अब मैं सामने के प्लेट्स को पकड़ूँगी एक एक करके और एक पिन कर दूँगी कि ताकि सारी प्लेट्स के लेयर्स जो हैं वो अच्छे से साफ तरीके से नज़र आए। तो ये देखिए अब मैंने सारे प्लेट्स जो है वो पकड़ ली हैं, और आप साइड में देख रहे होंगे कि किस तरह से सारी लेयर्स जो है एक स्टाइलिश अंदाज में आप कहीं भी जा सकते हो हैवी साड़ी कैरी करके, और आप पिन लिए और पिन आप उसे पिन से टाइट कर दिए ताकि वो थोड़ी सी भी लूज़ ना हो और उसके लेयर्स जो हैं वो बराबर दिखें। तो देखिए मैंने पिन कर दिया है, और छोटी सी पिन लगाएं, ज़्यादा बड़ी पिन ना लगाएं क्योंकि ताकि वो दिखे नहीं। और ये देखिए परफेक्ट तरीके से मैंने पहन ली, पूरी साड़ी मैंने पहन ली। आप देख सकते हो कि लेयर्स जो है वो बैक में भी कितने अच्छे आए हैं। अब बारी आई है ग्लव्स पहनने की, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है ख़ास करके इस कोरोना टाइम में। तो आप कभी भी बाहर जाएं तो विदाउट ग्लव्स ना जाएं, आप ग्लव्स पहनें, आप अच्छे से साड़ी पहनें और फिर ग्लव्स भी कैरी कर सकते हो और मास्क भी लगा सकते हो, क्योंकि अभी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरा पूरा वीडियो जो है ये सिर्फ अवेयरनेस को लेकर के है कि आप किस तरह से अवेयर हो सकते हो और किस तरह से आप कोरोना से अपने आप का बचाव कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने ग्लव्स पहन लिया है, और देखिए बहुत परफेक्ट तरीके से पूरी साड़ी जो है मैंने पहन ली है और ग्लव्स भी मैंने पहन लिया। अब बारी आएगी मास्क पहनने की, तो मैंने मास्क भी पहन लिया और ये मैं हो चुकी हूँ पूरी रेडी, और अब मैं कहीं भी बाहर जा सकती हूँ बिल्कुल सेफ। वीडियो, और हाँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया प्लीज आप उसे जरूर फॉलो करना, और मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आप अपना ध्यान रख रहे हो या नहीं। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं, और हाँ आप अपना ध्यान बिल्कुल रखें और ग्लव्स पहन के निकले, मास्क पहन करके निकले। कुछ अगर क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो। और हाँ गाइस, आप मुझे ये भी बता सकते हो कि मैं आपके लिए और कौन कौन सा वीडियो बनाऊं। और सबसे बड़ी बात है कि हाँ मैं सूट कलेक्शन का पार्ट वन लेकर के आई हूँ, लेकिन पार्ट टू अभी नहीं शूट किया है मैंने, बहुत जल्दी वो भी अपलोड करने वाली हूँ। लेकिन मुझे लगा कि सूट कलेक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अभी अवेयरनेस की, जो कि कोरोना को लेकर के,
तो मैंने सोचा कि पहले ये वीडियो मैं बनाऊंगी, उसके बाद मैं कोई और वीडियो बनाऊंगी। तो प्लीज गाइज आप अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें, घर में रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखें, काढ़ा पिएं, फ्रूट्स लें। जो मैं कैसी लगी आप मुझे जरूर ये वीडियो में बताना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और आप मुझे वहां जाकर के फॉलो कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि आप अगर मेरे पहले व्यूअर्स हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय, लव यू।